नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। काफी अरसा हो गया था, हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे थे। मैं जिस छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, यहाँ भी चुनाव चल रहा था। तो मैं चुनाव से परे बहुत सारी चीजों पे बातचीत नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत से जूम इंटरव्यूज इस दौरान नहीं किए थे। कुछ गला भी लंबे समय तक खराब था। तो आज मैं एक बहुत जरूरी मुद्दे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकार व्यक्ति के साथ बात करने यहाँ पर हूँ। पाकिस्तान में अभी अभी आम चुनाव हुए हैं, अभी उसके रिजल्ट सामने आए ही हैं। सरकार बनने की प्रोसीजर अभी चल ही रही है, अभी कोई बन नहीं पाई है सरकार वहाँ पर। हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा जानकारी, बारीक जानकारी पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में बसे हुए हैं, आदम पाल, ये वहाँ एक वामपंथी कार्यकर्ता है, लेफ्टिस्ट कार्यकर्ता है, मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल वर्कर तो हैं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी वहाँ पर किसी चुनावी दौड़ में ऐसे नहीं है कि जिसकी वजह से इनकी बातें बायस्ड हों, पूर्वाग्रह ग्रस्त हों, ऐसी नहीं है नौबत। ये पॉलिटिकल वर्कर जरूर है, लेकिन जो मेनस्ट्रीम राजनीति है, सत्ता की लड़ाई के, उससे परे भी है। मेरा और आदम का एक रिश्ता ये भी है कि हम लोग फिलिस्तीन गए थे साथ में। हिंदुस्तान से एक पीस कारवां निकला था, जिसमें 15 अलग अलग देशों के करीब 150 लोग शामिल हुए थे। उसमें पाकिस्तान से कुछ दोस्त हमारे आए थे, उनमें आदम भी आए थे, और हम लोग फिलिस्तीन तक जाकर वहां उनके ऊपर जो इजरायली जुल्म हो रहे थे उस वक्त भी, आज से 10-12 साल पहले की बात है ये, उसके खिलाफ हम लोग वहां पर एक आवाज उठाने गए थे। इसलिए भी गए थे कि हमारे से 5 महीने पहले ऐसा ही एक पीस कारवां वहां और गया था, उसके ऊपर इजरायली फौजों ने हमला किया था और तकरीबन 12 लोग उसमें मारे गए थे, निहत्थे लोग मारे गए थे। उनके जहाज पर इजरायली हेलीकॉप्टरों ने हमला किया था, 12 बेकसूर लोगों को मार दिया गया था। तो हम जब टर्की से आगे निकले थे फिलिस्तीन के लिए, तो हम उनमें से 5 या 7 लोग टर्की में दफन थे, वान नाम के शहर के कब्रिस्तान में। वहां से होते हुए हम लोग आगे बढ़े थे, लेकिन वो किस्सा बड़ा लंबा है। आज मैं यहाँ बात करने के लिए मौजूद हूँ आदम से, पाकिस्तान में अभी जो चुनाव हुआ है, जो नतीजे आए हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं उनके नजरिए से। आदम, आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर हमारे बहुत इस शुक्रिया में, आपका। और आपने मेरे कहे तुरंत ही वक्त निकाल लिया। मेरी दिलचस्पी बहुत है पाकिस्तान के मामलों में कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो चुनावी नतीजे आए हैं, ये क्या कहते हैं आदम? किस पार्टी के कितने लोग जीत के आए हैं? बिना पार्टी सिंबल के कितने लोग हैं? फौजी फौजी ताकतें जो हैं, उनका क्या रोल इसमें दिख रहा है? थोड़ा आप ही को समझाना पड़ेगा पूरा। इसमें पाकिस्तान का जो चुनाव है या जो सारा ये प्रोसेस है, ये इंडिया से काफी डिफरेंट है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की एक हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा जो 75 साल है उसमें मार्शल लॉ लगे रहे हैं, और अभी भी आर्मी का एक डायरेक्ट कंट्रोल होता है और इन्फ्लुएंस होता है। और इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसमें सारा एक फ्रॉड होता है, उसमें मैनिपुलेशंस होती हैं, और जुडिशरी के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो आर्मी है और जनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन प्रोसेस को। जो 2018 में पिछले इलेक्शंस हुए थे उसमें इमरान खान की इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं थी और इतना ज्यादा वोट बैंक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बैलेट स्टफिंग के जरिए और दूसरे टेक्निकल प्रोसेस के जरिए इमरान खान को पावर में लेके आए थे। और उससे पहले तकरीबन 10 साल से इमरान खान की एक मीडिया कैंपेन चल रही थी, साथ टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में ओवरऑल उसको सपोर्ट किया जा रहा था, और कई कई घंटे उसके इंटरव्यूज सारे चैनल्स पे चलाए जाते थे। तो पूरी एक मीडिया कैंपेन बनाई गई और फिर इलेक्शंस प्रोसेस के अंदर एक करके उसको ली। फिर आपको पता है कि इमरान खान के डिफरेंसेस हो गए आर्मी चीफ से, आर्मी लीडरशिप से। वो जिसको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे वो नहीं बना, कोई दूसरा बन गया, और उसने फिर इमरान खान की विक्टिमाइजेशन स्टार्ट हुई। और वो जो दूसरा ग्रुप था जिसमें नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं और दूसरे लोग हैं, वो फिर पावर ब्रोकर बने, और पिछले साल शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया और बिलावल जो था वो फॉरेन मिनिस्टर था।
हाँ तो अभी भी इस सारे प्रोसेस में वही सारा उसकी कंटिन्यूएशन थी। और नवाज शरीफ जो थे वो सेल्फ एग्जाइल में थे लंदन में, वो भी अक्टूबर में वापस आ गए थे। और हाँ यही एक प्रोसेस चल रहा था कि नवाज शरीफ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सारा एक सेटअप बनाया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी इस दफा विक्टिमाइज हो रही थी, उसका इलेक्शन सिंबल उसको नहीं दिया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उसके पार्टी के बहुत से वर्कर्स जो हैं वो जेलों में हैं या उन पे सेडिशन के केसेस हैं या वो भागे हुए हैं। और इमरान खान की पार्टी को कोई एक्टिविटी ओपन नहीं करने दी जा रही थी, विक्टिमाइज किया जाता था या अरेस्ट कर लिया जाता था। तो जी और इलेक्शन से सिर्फ एक वीक पहले, वो भी सारा प्लानिंग का ही हिस्सा था कि सिर्फ इलेक्शन से एक हफ्ता पहले इमरान खान को 3 सेंटेंसेज हुए, एक में 14 साल कैद, एक में 10 साल कैद, एक में 7 साल कैद। और वो भी एक इलेक्शन कैंपेन का ही प्रोसेस था। और ये लग रहा था कि नवाज शरीफ को एक पावरफुल फिगर के तौर पर जब करेंगे और आर्मी उसके बैक पे नजर आएगी और मीडिया कैंपेन सारी उसको नजर आएगी तो नवाज शरीफ कंफर्टेबली जीत जाएगा। हाँ लेकिन जो इलेक्शन के रिजल्ट है वो बड़े सरप्राइजिंग थे पावर ब्रोकर्स के लिए, जनरल्स के लिए और नवाज शरीफ के लिए भी। और जो वोट है वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट पड़ा है, जो आर्मी जिसको चाह रही थी या जो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में जनरल्स को और आर्मी को सबको एक एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया जाता है, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट ज्यादा नजर आया है। और जो जुडिशरी और सारी जो मनीवरिंग थी इलेक्शन कमीशन की उसको फेल करते हुए लोगों ने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए, पीटीआई जो कि ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं दे सकती, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की सबसे बड़ी हिस्ट्री में सबसे बड़ी विक्ट्री है। आउट ऑफ 265 सीट्स जो है वो 100 से ज्यादा सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने हाँ जीत ली है। और ये सबसे और जी पहले आज और एक तो ये है कि जो ऑफिशियल टर्नआउट का फिगर है वो 48% दिया जा रहा है, हाँ लेकिन जो बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि 15-16% से ज्यादा नहीं है टर्नआउट ओवरऑल अच्छा जो नजर आता है। अच्छा और ज्यादा लोग इतना बड़ा गैप कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ये बैलेट पेपर से हो रहा है चुनाव? हाँ बैलेट पेपर स्टफिंग करते हैं, जाली वोट होता है। और इवन अब जो केसेस सामने आ रहे हैं कि जिस तरह डिफरेंट पोलिंग स्टेशन, मतलब अगर 300 पोलिंग स्टेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो हाँ वो 300 पोलिंग स्टेशन आके अपना जो रिजल्ट है वो एक ऑफिसर को जमा कराते हैं, उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं यहाँ पे। तो ना वो यहाँ भी रिटर्निंग ऑफिसर जो है, तो अगर वो उसको जो ऐड करना होता है 300 पोलिंग स्टेशन के वोट को, वो जाहिर है उस रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐड करना होता है। हाँ तो जो गन पॉइंट है वो उस रिटर्निंग अफसर के सर पर होती है, और अच्छा वो रिटर्निंग अफसर एडिशन के अंदर ही, मसलन अगर 50,000 वोट है तो उसको 2 लाख कर देता है, या मसलन उसी के अंदर। उसको उसको और यही नंबर उसको नंबर्स दे दिए जाते हैं कि किसको क्या अनाउंस करना है। हाँ, बस वो उसी तरह अनाउंस कर देते हैं। और सबसे जो सरप्राइजिंग आपको इसमें बताएं कि नवाज शरीफ जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी लाहौर, वहां हाँ से हार गया था इलेक्शन, अच्छा, बजाय अभी इसके कि वो इस चुनाव में जी, ये जो परसों चुनाव हुआ है जो लाहौर में उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां से वो हार गया था। हाँ और फिर उसके जो रिटर्निंग अफसर था, वो जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर था, उसको कहा गया कि भाई आप रिजल्ट चेंज करें। तो अच्छा उसने कहा कि थोड़ा बहुत तो चलता है, जो अनऑफिशियल आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, तो हाँ इतना ज्यादा गैप है कि 80,000 वोट्स का गैप है, कैसे करेंगे। तो उसने रिजाइन कर दिया फिर रात को, हाँ और उसकी जगह एक नया फिर अपॉइंट किया गया जिसने फिर नवाज शरीफ को जिताया। इससे मुझको ट्रंप का चुनाव याद पड़ रहा है अमेरिका का। वहां पे भी उसको कुछ ऐसा 80,000 वोट कम पड़ रहे थे और वो अपने गवर्नर के पीछे लगा था कि इतने वोट का सवाल है, इतने वोट बढ़ा दो, तो गवर्नर ने वोट बढ़ाए नहीं थे उसके वहां पर। हाँ नहीं, यहाँ पे बढ़ा दिया उन्होंने, यहाँ पे बल्कि सीटें ही बढ़ा दी हैं। जो अच्छा नवाज शरीफ की कोई 15-20 सीटें थी, वो 70 सीटें इस वक्त नवाज शरीफ की पार्टी की हो गई हैं, और पीपल्स पार्टी की 54 सीटें हो गई हैं। जो सारे ही इसी तरह का रिजल्ट आ रहा है। हाँ पाकिस्तान में जो इलेक्शन रिगिंग है, फ्रॉड है, ये वोट चेंज करना, ये कोई नई चीज तो है नहीं है। लेकिन हर दफा जो है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस डीप हो रहा है, तो हाँ ये जो सारा प्रोसेस जितना ज्यादा इस दफा नंगा हुआ है, शायद हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि बिल्कुल मुझको ब्लैंकेट उन्होंने रिगिंग की है। और नवाज शरीफ के बहुत से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो थे वो अपनी सीटें हार गए थे,
और कईयों को जिता दिया गया, कईयों को वैसे डिक्लेयर कर दिया गया। तो मुझको आदम ये यार सारी हिंदुस्तान में एक खबर पढ़ने मिली है आज कि पाकिस्तान में फौज के हेडक्वार्टर में बैठकर अलग अलग पार्टियों के लोगों को बैठाकर ये तय किया जा रहा है कि कैसी कोलिशन गवर्नमेंट बने। क्या इस तरह की कुछ कुछ खबरें वहां भी हैं पाकिस्तान में? आदि कोलिशन गवर्नमेंट तो जाहिर है आर्मी जिसको कहेगी वो तो, यहाँ पे बच्चे को भी पता है कि आर्मी ने ही बताना है किसने बनना है और किसने नहीं बनना। तो उस हवाले से तो डिस्कशंस ऑलरेडी चल रही हैं, पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ के साथ जरदारी की, बिलावल की मीटिंग हुई है जिसमें वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि किस तरह कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो इसी तरह इमरान खान की पार्टी है, उसके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि उनका एक पार्टी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती और वो अपनी क्लेम नहीं कर सकते और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी पार्टी को चूज करना है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भी गवर्नमेंट फेडरल में भी बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे और जो पश्तूनख्वा प्रोविंस है वहाँ भी मेजोरिटी है इमरान खान की। तो वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हम भी गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन जो अपेरेंटली लग रहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी बनाएगी। और अब जो आ रहा है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने या उसका जो छोटा भाई है शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, तो हाँ, इस तरह की डिस्कशंस तो चल रही हैं, अभी अभी फाइनलाइज इसमें नहीं हुआ। इसमें एक चीज मुझको जो समझ में नहीं आ रही है, वहां क्या इस तरह का कोई कानून है कि जो इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं उनको 3 दिन या 4 दिन के भीतर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करना पड़ता है वरना उनकी मेंबरशिप खतरे में पड़ती है, ऐसा कुछ है? जी, इस तरह ये भी एक इशू है। एक तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 3 दिन के अंदर अंदर कोई इसी पार्टी के साथ डिसाइड करना है कि वो किस पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो एक जनरल इलेक्शंस के अंदर जो कंटेस्ट सीटें होती हैं उसके अलावा स्पेशल सीट्स भी होती हैं वुमेन की और रिलीजियस माइनॉरिटीज की, वो भी सिर्फ पार्टी बेस पे ही मिल सकती हैं। तो पीटीआई चूंकि एक रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर नहीं है तो उनकी वो सीटें भी जाया हो रही है। ओहो तो वो ओहो चाह रहे हैं कि किसी तरह पार्टी उनको वापस मिल जाए, वरना वो भी 25-30 सीटें उनकी जाया हो जाए। दूसरा हाँ ये है कि इस वक्त अब इंडिपेंडेंट चूंकि वो इलेक्ट होके आए हैं तो उनकी एक सेल जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहा जाता है वो भी इस वक्त शुरू है, और नवाज शरीफ और जरदारी और बिलावल अब बोली हाँ लगा रहे हैं हाँ मार्केट मार्केट में कि किसको ज्यादा पैसे दे के वो अपनी पार्टी में ले आए, ताकि पावर ब्रोकर और ये सब सारा उसमें एक प्रोसेस अभी चले। लेकिन अभी ओवरऑल है अभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वहां कौन है? एक नवाज शरीफ या उनके भाई है, शहबाज शरीफ है। जी एक जी जरदारी और बिलावल भुट्टो हैं, जी जी मेन तीसरे यही दो पार्टियां, और तीसरे इमरान खान है जो जेल में है इमरान अभी, खान जो जेल में है वो अभी किसी निगोशिएशन में नहीं है। डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व, लेकिन उनकी जो पार्टी के बाकी लीडरशिप है वो तो है किसी ना किसी प्रोसेस के अंदर, और कंटेस्ट ऐसा भी किया और विन भी किया उन्होंने। आप मुझको ये बतलाएं आदम कि आप पिछले कई चुनाव देख रहे हैं पाकिस्तान के लगातार और चुनावों के बीच का पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आप देखते हैं, ये चुनाव जो हुआ है अभी ये पिछले कई चुनावों के मुकाबले ये ज्यादा बोगस और ज्यादा कमजोर दिख रहा है क्या? जी, बहुत ज्यादा बोगस और बहुत ज्यादा कमजोर है। आप ये देखें कि जो इलेक्शन डे था हाँ जिस दिन आपको पता है कि लोगों ने मोबिलाइज होना है, घरों से बाहर जाना है, पोलिंग स्टेशनों में जाना है, उसी दिन पूरे पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स बंद कर दिए गए और ना इंटरनेट था ना मोबाइल था कि आप किसी दूसरे से ना बात कर सकते हैं, और आपको पता और नहीं होता कि किस पोलिंग स्टेशन में जाना है किस में नहीं जाना और कैसे ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी है, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है। तो वो सारा प्रोसेस ही जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट और भी कम नजर आया, और बहुत से लोग तो गए ही नहीं वोट कास्ट करने। और उससे पहले भी यहाँ पे एक कंफ्यूजन का एक इन्वायरमेंट बनाया गया कि भाई इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कोई अदालत से स्टे आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टेररिज्म का इशू यहाँ पे होता है, इस तरह बहुत से इश्यूज थे। और सबसे बड़ा तो इशू ये था कि इलेक्शन डे वाले दिन ना टेलीफोन आप किसी को कर सकते हैं ना इंटरनेट यूज कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा बोगस, उसको क्लियरली बोगस है। लेकिन उसके बावजूद डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ले सके वो। अच्छा हुआ उस दिन मैंने आपको फोन नहीं किया, नहीं तो मुझको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, फोन क्यों नहीं लग रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इमरान खान के खिलाफ दो अदालती फैसले तो मैंने पढ़े थे, एक कोई तोशखाना का मामला है, कुछ है कि उनको विदेशों से जो गिफ्ट मिली थी वो उनके उन्होंने जी। सरकार से कम दाम पे ले लिया और उनको बाजार में या दूसरे लोगों को अधिक दाम पे बेच दिया, बिल्कुल एक ये मामला था। दूसरा मामला मुझको जो
सुना ही पड़ा है कि उनकी तीसरी बीवी जो है बुशरा बीवी, वो बुशरा बीवी या बुशरा बी कहते हैं उनको, तो बीबी। हाँ जी, उनसे, हाँ तो उनसे इमरान की शादी जो थी वो नाजायज थी, गैर कानूनी थी, क्योंकि ऐसा मुझको ध्यान पड़ रहा है, पढ़ा हुआ, पहले पढ़ा हुआ कि बुशरा बीवी जो है ये इनके एक पहले के शौहर भी थे जिनसे शायद तलाक जायज तरीके से नहीं हुआ था। तो ये भी क्या हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान में कैद का एक मामला है कि अगर किसी की गैर तलाकशुदा शादीशुदा बीवी से आप शादी कर लो दोबारा, तो क्या ये कैद का मामला नहीं, है ये वहां के कानून में? वो उसमें होता है कि वो 3 महीने का, मेरा ख्याल है कि 6 महीने का गैप होता है कि एक किसी औरत ने तलाक लिया तो उसके इतने टेन्योर के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। तो हाँ अदालत में ये था कि वो गैप पूरा नहीं हुआ था, अच्छा, 3 माह का या 6 माह का। जो इद्दत की मुद्दत या ऐसा मुझको कॉल हाँ जी, इद्दत कॉलेज कहते हैं ना उसको, कि वो जो पीरियड है वो पूरा होना चाहिए जिसके बाद वो फिर दूसरी कर सकती है औरत। मुझको वो भी है। 30-35 बरस बाद मुझको याद पड़ रहा है, कॉलेज में सोशियोलॉजी में मैंने पढ़ा था, मुस्लिम मैरिज हाँ एक्ट, जी, हाँ उसमें कहीं था जी, हाँ इद्दत की जी, मुद्दत, यानी इद्दत का ये पीरियड हाँ निकल जी, जाए, तो वो शायद हाँ पूरा नहीं जी, हुआ, इसलिए सजा हुई है इमरान को और उनकी तीसरी बीवी को, दोनों ये को। पहली दफा है ऐसा, ऐसी सजा हुई है, क्योंकि हमने तो यही सुना था मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो हाँ वैसे भी चीफ जस्टिस का नाम भी काजी है यहाँ पे, लेकिन हाँ काजी साहब काफी इंटरेस्टेड थे उनकी शादी में। और हाँ इस तरह के बहुत से एक पर्सनल इंसल्ट्स और एक वो सारा इश्यूज बनाते हैं, क्योंकि असल जो अटैक है इमरान खान पे वो तो उसकी पॉलिसीज के ऊपर बनता है कि उसने जो एंटी वर्किंग क्लास पॉलिसीज इंप्लीमेंट की कोविड के अंदर, उसने बहुत बड़े अटैक्स किए वर्किंग क्लास पे, महंगाई पे, बेरोजगारी में बहुत बड़ा इजाफा उसकी गवर्नमेंट में नजर आया। लेकिन वो बात कोई भी नहीं कर रहा, उसके हाँ पर्सनल इश्यूज पे, डाइवोर्स पे, शादी पे सारे इश्यूज है, तोशाखाना से गाड़ी हाँ उसने ले ली, और इस किस्म के इश्यूज को उछालते हैं। जाहिर आपको पता है मीडिया, और जो जेन्युइन इश्यूज हैं जो वर्किंग क्लास को फेस करने पड़ते हैं कि भाई हमें जॉब मिलेगी, हमें जो बिजली का बिल है, जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 30% तो गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है, हाँ अनऑफिशियली ये 50% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन है, हाँ करेंसी आपकी डीवैल्यू हो रही है, तो इस पे कोई और इमरान खान ने कितनी करेंसी डीवैल्यू की, इस पे बात करने की बजाय जो हाँ इश्यूज हाईलाइट करते हैं वो बड़े ही भी अपने पर्सनल और बड़े और वो नॉन नॉन नॉन। इश्यूज पे, नॉन इश्यूज पे चुनाव किया जा रहा है ये। जी दूसरा जी तो ये एग्जैक्टली बतलाएं कि पाकिस्तान में मीडिया जो है उसमें क्या कोई तबका ऐसा है जो खुलकर सच्चाई को वहां लिख रहा हो? हालांकि मुझको ये पूछते हुए थोड़ा तकलीफ भी हो रही है, दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के मीडिया के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो भी सच लिखने से बोलने से कतराता है ऐसा। तो क्या पाकिस्तान में अभी इस चुनाव के दौर में, फौज की दखल के इस दौर में, मीडिया का वहां क्या रुख आपको दिखता है? मीडिया तो सारा कंट्रोल्ड है, जो टीवी चैनल्स हैं या जो प्रिंट मीडिया है, वो तो जो लाइन आती है आर्मी की उसी को फॉलो करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट तो वो जा ही नहीं सकते, और वो जानबूझ के वो ऐसी कंट्रोवर्सीज बनाते हैं जो वो उनको सूट करती हैं। यूट्यूब चैनल्स ज्यादा पॉपुलर हैं, आप जिस तरह अब आपने भी यूट्यूब चैनल बना लिया, इस तरह यहाँ भी बहुत से जर्नलिस्ट ने और बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स ने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे बनाए हुए हैं, जिसपे वो ज्यादा मतलब खुल के तो यहाँ पे उस तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया से रिलेटिवली ज्यादा इंडिपेंडेंटली बात करते हैं। और फिर कुछ यूट्यूबर हैं वो फिर यूरोप में, अमेरिका में बैठे होते हैं, तो वो ज्यादा कड़ी तनकीद खुलकर करते हैं जो भी अपनी पार्टी और या जो अपनी आइडियाज होते हैं उसको फ्लोट करते हैं, और रिपोर्टिंग भी बाहर से ही यहाँ पे होती है। यहाँ पे बैठ के जो यूट्यूबर हैं या जो सोशल मीडिया के अंदर लोग हैं वो भी रिलेटिवली बेहतर बात कर रहे होते हैं या ज्यादा बात कर लेते हैं आज बाकी। आप कोइंसिडेंस देखो कि मेरा जो वीकली कॉलम आजकल, उसका एक लिंक आपको अभी मिला है व्हाट्सएप पे, और आप चूंकि हिंदी पढ़ भी लेते हैं, तो मेरा पूरा का पूरा कॉलम आज इसी पे है कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जिस तरह से न्यूज़पेपर और टीवी चैनल ये कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे दिख रहा है, ये एक नज़र में अनार्किस्ट भी दिखता है ये, कि बेकाबू है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक सिंबल भी बन गया है ये, यूट्यूब का या
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग चला रहे हैं। आज ही मैंने वीकली कॉलम लिखा है, आपको लिंक मिला है, उसको पढ़िएगा भी आप वो देखूंगा, लेकिन हिंदुस्तान। उसमें एक तो ये है कि YouTube पे भी इतना फ्रीडम नहीं है, जाहिर है कि उनके भी एल्गोरिथम्स हैं जिस जी वीडियो को वो ज्यादा करते हैं, और फिर उसमें भी अल्टीमेटली पैसे हैं अगर आप उसमें। और इस इलेक्शन के अंदर आपको पता है कि जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो जो प्रिंटर्स होते हैं, पोस्टर पब्लिश करने वाले, बैनर्स पब्लिश करने वाले, वो बहुत पैसे कमाते हैं, हाँ और वो भी अब इंटरनेशनल मोनोपोलीज आ गई है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है, वो सबसे ज्यादा पैसे फेसबुक ने और यूट्यूब ने कमाए हैं, क्योंकि सबसे अच्छा, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जो वहीं थे, वहीं कैंडिडेट्स जो थे, वो फेसबुक को पैसे दे रहे थे एडवर्टाइजमेंट के, इंस्टाग्राम को या यूट्यूब को, और जैसे ही आप फेसबुक खोलते थे तो आपको कैंडिडेट्स के एडवर्टाइजमेंट्स नजर आती थी। तो पैसा तो फिर भी वहां पे आ गया सोशल मीडिया पे, जो ये वाला सोशल मीडिया है, तो उसमें जो बाकी चैनल्स हैं, जो अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी वीडियो को फिर वो प्रमोट नहीं करते उसमें। हाँ नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं कि सरकार के खिलाफ भी कुछ है, कैसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बड़े दमखम से चल रहे हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई काबू हो नहीं पाया है। मैं नहीं जानता कि सरकार काबू कर रही है कि नहीं, मुझको नाहक तोहमत नहीं देना चाहिए, लेकिन बिना किसी काबू के ऐसे बड़े दमखम से कुछ एक चैनल से चल रहे हैं, और उनके उनके मिलियंस में 25-50 लाख 1 करोड़ इस किस्म का ऑडियंस है उनका, उनको पैसा भी 10-20-25-50 लाख रुपया महीना उनको पैसा भी मिल रहा हाँ, है। वो तो यूट्यूब पे आग कमा लेते हैं। यहाँ पे भी थे इमरान खान की पार्टी के बहुत से ऐसे यूट्यूबर थे जिन पर सेडिशन के अब केसेस हुए हैं, जिनको सेंटेंस भी हुआ है, काफी ज्यादा कड़ी बातें कर रहे थे, और जाहिर स्पॉन्सर्ड थे या जो भी था। मैं आदम एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान और चीन, इन दो मुल्कों का पाकिस्तान के घरेलू मामलों में बड़ा दखल रहता है ऐसा मानते हैं लोग, शायद चीन का बढ़ गया है, अमेरिका का दखल कम हो गया है, जो भी हो, आपको क्या लगता है कि ये जो दो बड़े ताकतवर मुल्क हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये किस तरह की हुकूमत चाहते हैं? ये फौज के कंट्रोल वाली हुकूमत चाहते हैं कि ये कोई इंडिपेंडेंट हुकूमत चाहते हैं? किस पार्टी नेता या किस किस्म की गवर्नमेंट को चीन चाहेगा, किस किस्म की गवर्नमेंट को अमेरिका चाहेगा? इस वक्त जो है नवाज शरीफ पे ज्यादा कंसेंसस था सब का, और एक पाकिस्तान की रूलिंग इलीट का भी, पाकिस्तान की जो कैपिटलिस्ट क्लास है, नवाज शरीफ पे ज्यादा कंसेंसस था, अमेरिकन्स का भी, और इवन ऐसे लग रहा है कि चाइनीज का भी कंसेंसस था कि नवाज शरीफ अगर आ जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान आपको पता है कि बैंकरप्सी के ऊपर बिल्कुल धाने पे खड़ा हुआ है, वर्ज ऑफ बैंकरप्सी है। पिछले साल सिर्फ आखिरी दिन था, अगर उस दिन IMF साइन ना करता एग्रीमेंट पे, तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाना था। इस 2024 में पाकिस्तान ने $27 बिलियन देने हैं डेट पेमेंट्स के, और पाकिस्तान के अकाउंट में अभी 7 से 8 बिलियन डॉलर सिर्फ रिजर्व पड़े हुए हैं, हाँ, वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। और उसमें जो IMF के साथ अब ये इलेक्शंस भी फरवरी में इसलिए करवाए गए हैं क्योंकि अप्रैल में ये IMF से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, और वो चाह रहे थे एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आए जो IMF से, क्योंकि बड़ा ही कड़ी शर्तों पे एग्रीमेंट होने जा रहा है। बिल्कुल और आपको पता है कि इलेक्शन तो डिले था, इलेक्शन तो ड्यू था आज से कोई 6 8 महीने पहले, ये हाँ बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल केयर टेकर गवर्नमेंट थी जिसका कोई ना कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो बिल्कुल फरवरी में इलेक्शन इसलिए करवाए हैं ताकि वो एक सो कॉल्ड पोलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ IMF के साथ डील करें, क्योंकि हाँ जो IMF में कड़ी शरायत होनी है उसमें बहुत बड़ा अटैक आ रहा है वर्किंग क्लास पे, जिसमें बहुत बड़े महंगाई का टैक्स करेंगे, बेरोजगारी का टैक्स करेंगे, पेंशन सिस्टम खत्म करने जाएंगे, हाँ और पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़ी प्राइवेटाइजेशन होगी और लाखों ले ऑफ्स होंगी, तो बहुत बड़ा अटैक है, चाहे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने या इमरान खान या बिलावल कोई भी बने, हाँ IMF की पॉलिसी को तो फॉलो सब नहीं करना, तो वो चाह रहे थे पोलिटिकल स्टेबिलिटी, और उसके लिए जो सबसे स्टेबल और सबसे उनको लग रहा था कि रिलायबल और ट्रस्टेड लीडरशिप है वो नवाज शरीफ की है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, अमेरिकन के साथ वो गुड बुक्स में है, इवन चाइना के साथ उसकी बड़ी अच्छी डीलिंग रही है, और वो कह रहा था कि मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेकंड फेज स्टार्ट करूंगा, बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करूंगा, और एक बड़ी जो है इस तरह के जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे सॉल्व उबार कैसे लेगा। करना है, कि वर्किंग क्लास से टैक्स टैक्स बढ़ाना है, बिजली का
बिल जो है वो डबल ट्रिपल करना है, पेट्रोल की कीमत डबल ट्रिपल करनी है, लेकिन ये है कि उसकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसके अम्ब्रेला में होगा तो लोग उस तरह रिएक्ट नहीं करें। जी लेकिन इस इलेक्शन से जो रिजल्ट आया है वो उनकी सारी जो अपनी थी प्लानिंग उसके उल्ट हो गया है, कि जो हाँ सबसे स्टेबल फिगर था वो बेसिकली इंस्टेबिलिटी का जो है वो सेंटर बन गया, और जी नवाज शरीफ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लूज कर गया और उसको पोलिटिकल मनूवरी, और दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा था, एक लाहौर से और एक हाँ रिमोट एरिया है पाकिस्तान का मानसेरा से, वहां से खड़ा था, हाँ दोनों जगह से हार गया दोनों और जगह हार गया। उसको जी, दोनों जगह से बुरी तरह से हारा। 80,000 की लीड तो लाहौर अच्छा में पड़ी उसको। मुझको मुझको एक चीज बतलाइए, इमरान जेल में तो हैं लेकिन क्या वो उनका स्टेटस ऐसा है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? हाँ जी, उन पर बैन है कि वो भी जुडिशरी से बहुत ज्यादा केसेस उनके ऊपर हैं, उसमें एक केस ये भी है कि वो चुनाव में नहीं, नवाज शरीफ पे भी लेकिन पहले यही डिसीजन हाँ, करवाया था इमरान हाँ खान ने, लेकिन वो रिवर्स हुआ अभी पिछले 2-4 महीने पहले। ये ना कुछ एक फैसले पॉलिटिशियंस के खिलाफ अदालतों से होते हैं लेकिन वो उनमें से कुछ एक बदल भी जाते हैं। हाँ, जो दोबारा फेवर में आएगा वो पॉलिटिशियन इमरान खान के जो केसेस हैं वो अब खत्म होने शुरू हो जाएंगे और अच्छा, नवाज शरीफ पे शुरू हो जाएंगे मैंने अभी अभी दोबारा। खबर पढ़ी कि पिछले 2-4 दिन में उनको कई मामलों में बेल मिली है इमरान को। हाँ, बेल बस वो प्रोसेस शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान ने बाहर आना है और नवाज शरीफ ने अंदर जाना हाँ है, ये टॉम एंड जेरी चलता रहता पाकिस्तान ऐसा। अच्छा, में। मैं एक चीज समझना चाह रहा था कि हर चुनाव में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक दूसरे मुल्क के खिलाफ कुछ एक मुद्दे उठाए जाते हैं। पाकिस्तान में शायद चूंकि इनस्टेबिलिटी ज्यादा है, क्राइसिस ज्यादा है वहां पर, क्या इस चुनाव में हिंदुस्तान कोई मुद्दा था वहां पर? नहीं, इस दफा कोई ऐसा इशू नहीं बना, ना ही वो चाह रहे थे कि ऐसा इशू बने, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से ये डिस्कशन है कि वो मोदी के साथ उसके बड़े अच्छे है संबंध हैं और वो एक ट्रेड, नवाज शरीफ की शुरू से, क्योंकि नवाज शरीफ एक बिजनेसमैन है और बिल्कुल वो बिजनेसमैन की तरह ही सोचता है और पॉलिटिशियन से ज्यादा वो बिजनेसमैन है, उसको लगता है कि इंडिया से अगर हमारी ट्रेड हो जाए हाँ, तो ज्यादा फायदा ले सकता है, पाकिस्तान का बिजनेसमैन भी फायदा उठाएगा, इंडिया का बिजनेसमैन भी फायदा उठाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सारी जो स्ट्रक्चर है वो एक सिक्योरिटी स्टेट का है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है पिछले 70 साल में वॉर इकोनॉमी से जुड़ी है, अफगानिस्तान की वॉर्स के साथ और दूसरी वॉर्स के साथ, और वो उसके लिए ही इतनी बड़ी आर्मी और वो सारा स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ चाइना का भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान एक एंटी इंडिया स्टैंस के साथ जो है वो फ्लरिश करे और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वो लोन के ऊपर जो है वो वेपन्स देते हैं, बहुत कुछ वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है पाकिस्तान को वो सारा देते हैं, तो उस हवाले से कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान की रूलिंग इलीट में, स्टेट में, कि इंडिया के साथ कोई लोन। आदम जो आप बतला रहे हैं कि नवाज शरीफ की हार के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान के साथ फौजी टकराव नहीं चाहेगा, कारोबार चाहेगा, चाइना उसको पसंद नहीं करता कि हिंदुस्तान के साथ टकराव तो तुम्हारा रहना चाहिए, चाहेगा वो फौजी जो है पाकिस्तान के वो इतना भी। सिंपल नहीं है, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ की जो देखे ना, नवाज शरीफ को हरवाना या उसकी पार्टी को वीक करने के लिए और बहुत से फैक्टर्स थे, कैंडिडेट्स थे, अब हाँ नवाज शरीफ अपनी सीट भी हार जाए तो ये तो शो करता है कि नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है, नवाज हाँ शरीफ तो फिर एक, अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही हार जाता है एक हाँ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, हाँ और अपनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कि उसको वो अपना समझते हैं होम है, जहाँ पे घर है उसका, तो हाँ वो उसके बाद तो फिर उसकी पॉलिटिक्स ही खत्म है ना, उसके बाद उसको तो पॉलिटिक्स वैसे ही छोड़ देनी चाहिए अब आपको और वो आसार क्या दिख कॉन्स्टिट्यूएंसी। रहा है? अब आपको आसार क्या दिख रहा है? किसके प्राइम मिनिस्टर बनने का आसार है? उसमें अभी तक तो जो नाम ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है वो नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का ही है, और मेनली नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ही है, तो क्योंकि पाकिस्तान ये में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर कोई बाई इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, इलेक्शन तो मैं बता रहा हूँ कि वैसे हारे थे, जो ऑफिशियल रिजल्ट्स है उसमें तो वो दोनों सीटें जीत गए हैं। आहा, तो ऑफिशियली कागज पर नवाज शरीफ दोनों सीटों पर जीते हुए हैं।
जी प्राइम जी जी मिनिस्टर बनने में कोई अड़ंगा नहीं है लीगल? नहीं नहीं कोई भी नहीं है जी, हाँ कोई हाँ भी रंगा तो आपका कहना रंगा है सिर्फ कि वो ये एक्चुअल में हारे हुए हैं लेकिन उनको हाँ जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया है? जी। बहुत से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह इस वक्त जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसकी, वो कह रहे हैं कि 70 से 75 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, लेकिन जो पीटीआई या इमरान खान की पार्टी, ये कह रही है कि अगर जो एक्चुअल रिजल्ट्स देखा जाए तो इनकी 15 से 20 सीटें बनती हैं, 75 सीटें नहीं बनती। और वो कह रहे हैं कि हम इसको अदालतों में कंटेस्ट करेंगे जाके, और हमारे पास इसका प्रूफ है कि ये नवाज शरीफ की पार्टी की सिर्फ 15 से 20 सीटें हैं, लेकिन ऑफिशियल रिजल्ट्स में वो 75 सीटें दिखा रहे हैं उसकी। एक तो बात 75 सीटों बताइए के साथ मुझको जी, वो जी। आप जितना डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान एक नाकामयाब जमहूरियत होते जा रहा है, फेल्ड डेमोक्रेसी लग रहा है? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी आई नहीं, तो फेल तो वो चीज होती है जो कभी पास हुई हो या कभी एग्जिस्ट करती हो। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स और डेमोक्रेटिक सेटअप और डेमोक्रेटिक एक ट्रेडिशंस, जो बोर्जुआ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, कैपिटलिस्ट बेसिस के ऊपर जो डेमोक्रेसी है, वो इस तरह कभी यहाँ पे फ्लरिश हुई ही नहीं, और एक इंस्टीट्यूशनलाइज हुई ही नहीं है। यहाँ पे जो मार्शल लॉ लगते रहे हैं, जो जनरल्स का कंट्रोल रहा है, जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान एक पपेट स्टेट का रोल प्ले करता रहा, तो उस वाले से हम समझते हैं कि पाकिस्तान में कभी कोई डेमोक्रेटिक एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज डेवलप ही नहीं हुई। तो और उस वजह से पाकिस्तान में जो आम वर्किंग क्लास है, जो आम जनता है, उसका कोई डेमोक्रेटिक इस सिस्टम की अंदर रहते हुए कोई डेमोक्रेसी पे कोई इल्यूजन भी नहीं है कि ये जो जुडिशरी है यहाँ से हमें कोई मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है, कोई इंसाफ मिलेगा, या ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएंगी पार्लियामेंट में जिससे हमें रिलीफ मिलेगा। उनको पता है कि पॉलिसी आईएमएफ ने बनानी है, अमेरिकन ने बनानी है, डिसीजन उन्होंने लेने हैं, जंग होनी है या नहीं होनी है अफगानिस्तान में, ये डिसीजन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं होना, ये वाशिंगटन में होना है। पाकिस्तान को कितना लोन मिलना है, पाकिस्तान में टेक्सटाइल को ग्रोथ मिलनी है, पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर को ग्रोथ मिलनी है, या पाकिस्तान ने किसी वॉर के अंदर से डॉलर्स कमाने, ये डिसीजन इस्लामाबाद की बजाय वाशिंगटन में हो रहे हैं। यहाँ पे आम जनता इस बात पे क्लियर है, और उस वजह से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आप देखें कि उसमें टर्न आउट पहले ही बहुत कम होता है, और लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में कम होता चला जा रहा है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों के इश्यूज की तो बात ही नहीं कर रही, जनता के इश्यूज की तो बात ही नहीं कर रही, वो तो अपनी आपस की लड़ाइयों की बात कर रही है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों के साथ, और ना ही लोगों का कोई इंटरेस्ट है उनकी पॉलिटिक्स। आदम और मैं यही देखें कि आप ये जो जितने ये बड़े हुए हैं, जलसे जुलूस हुए हैं पिछले इलेक्शन कैंपेन में, उसमें कोई बड़ी पार्टिसिपेशन आपको किसी एक पार्टी के उसमें नजर नहीं आता, कहीं भी जो है नवाज शरीफ के हुए हैं, बिलावल के हुए हैं, उसमें बहुत थोड़ी पार्टिसिपेशन आपको नजर आई है, कि एक जनरल इलेक्शन होने जा रहा है और उसमें आप जो है बिलावल है वो 500 हजार का, 2 हजार का अगर कोई बड़ा प्रोग्राम कर लेता है, या नवाज शरीफ के प्रोग्राम में 5-7 हजार लोग आ जाते हैं, और वो भी आपको पता है कि पैसे दे के लाए होते हैं या हाँ इस तरह वो पकड़ पकड़ के लाते हैं, तो उस तरह की बड़ी पार्टिसिपेशन को एक्साइटमेंट नहीं थी इस जनरल इलेक्शन में, ये और लोग क्लियर हैं। आदम मुझको एक चीज समझना है कि आपके जैसे लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वहाँ एक्टिव भी हैं, अपना चेहरा दिखाकर आप बातें करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मिलिट्री को, आपके ऊपर कितना खतरा रहता है वहां पर इन सब बातों को बोलने के लिए? उसमें पहली बात तो ये है कि जो मैं इस वक्त बातें कर रहा हूँ, पहली बात तो ये कि वो बहुत जनरल हो चुकी है, ये आज से शायद 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई बड़ी अनोखी बात या कोई डिफरेंट बात होगी। आज तो आप सोशल मीडिया यहाँ पे देख लें, फेसबुक देख लें, लोगों के अंदर एक डर जो था, ये खौफ था, वो काफी हद तक खत्म हुआ है, और ये बातें बहुत ज्यादा वहां पे हो रही। दूसरे नंबर पे मूवमेंट्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूवमेंट थी, अभी कश्मीर में मूवमेंट है, बिजली के बिल जमा नहीं करवा रहे लोग, अभी बलोचों की मूवमेंट है, वर्किंग क्लास की बहुत सी मूवमेंट्स हैं, स्ट्राइक्स हैं, ये प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जो है रेलवे के वर्कर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, बहुत से वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक्स की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक जो सेंटिमेंट है वो तो इससे बहुत आगे चला गया है, जो मैं बातें कर रहा हूँ उससे उससे भी ज्यादा आपने
अगर वो लोगों का यहाँ पे सेंटिमेंट देखें तो इससे कहीं ज्यादा बातें यहाँ पे सड़क पे गली में हो रही हैं, और उसी का एक रिफ्लेक्शन हमें नजर आया कि लोगों ने जो है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट बात करता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बन जाता है। इमरान खान की भी अभी जो रिलेटिव उसको वोट ज्यादा पड़ा है, उसकी वजह यह है कि उस पर सिडिशन के केस बने हुए हैं, उस पर इसी तरह जुडिशरी का उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। तो इसी वजह से लोगों ने कहा कि अगर वो विक्टिमाइज हो रहा है तो फिर हम उसके साथ खड़े हैं। तो अगर पहले नवाज शरीफ विक्टिमाइज हो रहा था तो लोग नवाज शरीफ के साथ जाके खड़े। हाँ, तो ये जो आप कह रहे हैं, ऐसी बातें कहने पे अगर किसी को फौज अरेस्ट करना चाहे तो उसको लाखों लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो पता नहीं, अरेस्ट होते भी हैं, सारा कुछ भी होता है, अरेस्ट के बगैर भी वो उठा के भी ले जाते हैं, और बड़ा कुछ होता है यहाँ पे, केसेस मान जाते हैं, जिस तरह किसी की शादी हो गई है उस पर भी केस है, तलाक हो गई है उस पर भी केस है, आपने चीख क्यों मारी है उस पर भी केस बन जाता है यहाँ पे। केस बनाना तो कोई इतना इशू नहीं है, या किसी को विक्टिमाइज करना तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो उसमें यह है कि अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आता है या उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता हुआ उनको हाँ, नजर आता है तो फिर उसको ज्यादा फोकस किया जाता है, वरना जनरली तो एक सेंटिमेंट वैसे ही है, उसको क्या कर सकते। तो ये अभी जो नजारा आपको दिख रहा है, सीन जो दिख रहा है वहां, वो यही है कि नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी, यही यही दो पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी, ऐसा लग रहा है। हाँ, इसमें और भी पार्टीज होंगी, इसमें कराची की एक पार्टी है MQM, हाँ जो कराची में महाजर जिनको कहा जाता है, जो 47 में माइग्रेट करके आए थे इंडिया में, उनकी एक बड़ी पॉपुलेशन कराची और हैदराबाद में है। तो हाँ एक पार्टी है MQM के नाम से, तो वो भी वैसे उसकी भी सपोर्ट कोलैप्स कर चुकी है और उसको भी इतना वोट नहीं मिला, लेकिन सरकारी कागजों में उसकी 17-18 सीटें उसको अच्छा दे रहे हैं, वैसे तो वो शायद एक या दो सीट भी ना ले पाती। पहले वो स्ट्रांग होती थी, आज से 10-20 साल पहले उसकी वाकई 18 सीटें होती थी, लेकिन अच्छा अब वो उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी सपोर्ट कोलैप्स कर चुकी है, और वो पार्टी बिल्कुल कई स्प्लिट्स हो चुकी हैं, और उसमें काफी ज्यादा वो उसकी जो सपोर्ट है वो खत्म हो गई है। लेकिन उसके बावजूद सरकारी कागजों में कोलिशन बनाने के लिए उसको 18 से 17 सीटें मेरे ख्याल है दी हैं, अभी वुमेन सीट्स और दूसरी सीट्स मिलनी है। इसी तरह कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, वो मिलके एक कोलिशन बनाएंगे, एक दो रिलीजियस पार्टीज हैं। ये जो विमेंस रिजर्व सीटें आप जो कह रहे हैं, इसमें इंडिपेंडेंट नहीं लड़ सकती। नहीं, उसमें ये होता है कि हर पार्टी को इलेक्शन से पहले ही एक लिस्ट देनी पड़ती है कि भाई ये हमारे ठीक वुमेन, है, वो पार्टी बेस पे ही होती हैं एलोकेट, वो इंडिपेंडेंट्स क्योंकि वो पार्टी नहीं है तो फिर वो तो नहीं क्लेम कर सकते। उनको इजाजत नहीं मिलती वहां से लड़ने की। नहीं, वो कंटेस्ट नहीं होती, वो सिर्फ आपकी मसलन अगर किसी को 70 सीटें मिली हैं तो उस हवाले से उनको 5 या 10 सीटें जो है वो वुमेन की अलॉटमेंट होती है उसको। ये आप अपर हाउस जैसा कह रहे हैं क्या, कि ये लोअर हाउस में ही होता है, ये ये लोअर हाउस में है, लोअर इसी में होता है। लोअर हाउस में भी हाउस में रिजर्व सीटें रहती हैं। ये रिजर्व सीट्स हैं, ये वुमेन की और रिलीजियस माइनॉरिटीज की। अच्छा, ठीक, समझ गया मैं इस बात को। ये हिंदुस्तान में ऐसा मोटे तौर पे अपर हाउस में होता है, लेकिन यहाँ पे लोअर हाउस लोअर हाउस में शायद 5-6 सीटों का कुछ यहाँ पे एक प्रोविजन है, मुझको ठीक से याद नहीं है। तो अगले में, कितने दिनों में आपको लगता है कि नए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के चार्ज ले लेंगे? वैसे तो 1-2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने जानबूझ के डिले किया। पहले तो ये था कि इलेक्शन रिजल्ट मतलब पोलिंग 5 बजे खत्म होती है तो रात को 10-12 बजे तक या मैक्सिमम 1-2 बजे तक रिजल्ट सारे आ जाते हैं, लेकिन इस हाँ दफा चूंकि उन्होंने रिजल्ट चेंज करने शुरू कर दिए, रिगिंग थी, काफी ज्यादा फ्रॉड था, और इवन इलेक्शन नाइट पे नवाज शरीफ ने एक विक्ट्री स्पीच प्रिपेयर की हुई थी कि मैं विक्ट्री स्पीच अच्छा करूंगा, अच्छा और सारा पंडाल भी लगा हुआ था और सारे लोग भी थे, लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो पता चला ये तो हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, तो फिर विक्ट्री स्पीच कैंसिल की, फिर जाहिर है फोन शून घुमाए कि भाई रिजल्ट चेंज करो, फिर रिजल्ट चेंज करने का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर कोई नेक्स्ट डे रात को कोई 6-7 बजे उन्होंने विक्ट्री इकनाम ने आज विक्ट्री स्पीच की, और उसमें भी बॉडी लैंग्वेज उनकी एक डिफीटिस्ट ही थी। और अच्छा, आपको पता है कि जो पार्टी फिर इलेक्शन विन कर जाती है उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके
जो वर्कर्स हैं अपने अपने उसमें जाते सड़कों हैं। पे निकल आते हैं। पाकिस्तान में ये पहला इलेक्शन हुआ है कि किसी पार्टी ने कोई सेलिब्रेशन नहीं की और किसी को पता ही नहीं था कि हम जीते हैं या हाँ नहीं जीते। तो हाँ अब उसमें ये है कि 4-5 दिन पे जो प्रोसेस घंटे तक होना था वो 4 दिन बाद आज रिजल्ट आए हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं कि 10-1 दिन और लगेंगे जब ये नोटिफाई होंगे। अभी भी बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, इमरान खान की पार्टी के, वो अदालतों में चले गए, स्टे ले लिया उन्होंने, हाँ और वो सारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिकाउंटिंग और ये वो हाँ सारी रिपेयर्स चल रही है। हाँ तो वो कह रहे हैं कि 21-22 फरवरी तक तो नोटिफिकेशन होगा। वैसे तो अगले दिन ही नोटिफाई हो जाता है कि जो विनर्स हैं, 21-22 फरवरी तक नोटिफाई होगा, फिर उसके बाद ओथ टेकिंग होगी, फिर तकरीबन ये 1 महीना लग जाएगा प्राइम मिनिस्टर आते आते। तो ठीक है आदम, हम कुछ दिनों के बाद जब प्राइम मिनिस्टर वहां इलेक्ट तो हो जाएंगे कोई, उस वक्त एक जी बार जी बात करेंगे। तब तक नज़ारा यहाँ दूर बैठे हुए देखते हैं। आपने हमारी ऑडियंस के लिए इसको जिस तरह से डीमिस्टिफाई किया है, तमाम चीज़ों को सुलझा कर रख दिया है सामने, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इन बातों को कहने के लिए खतरे में न पड़े पाकिस्तान में, क्योंकि जैसा एक डीप स्टेट, जैसा इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है वहां पे, वो मुझको खतरनाक लगता है दूर बैठकर। मुझको आपके जैसे लोग जो हैं इतना कहने वाले, इससे मुझको याद पड़ता है कि किसके वक्त की बात थी, एक हम देखेंगे जो गाना हुआ था वहां के स्टेडियम में, फैज, फैज फैज का गाना था, उसको गाया था किसने, अहमद फैज इकबाल बानो ने गाया था। उस वक्त भी फौजी हुकूमत थी और काली साड़ी का पहनकर उन्होंने गाया था। उस वक्त गाना, शायद बंदिशें बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने इकबाल गाया था वो गाना और उसे गाने से फिजा बदली थी वहां की। बानो ने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझको लग रहा है कि आपके सरीखे लोग जो वहां खुलकर कह रहे हैं, वो किसी खतरे में ना पड़े ऐसा कहने की वजह से। मैं आपके पास फिर जी लौटूंगा अगले कुछ दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर बनने पे दिलचस्पी बनी रहेगी, चाहे पूरा का पूरा एक फ्रॉड और पूरा एक फसाड ही क्यों ना हो। आखिर गवर्नमेंट तो, जी हुकूमत तो वहां की इसी तरह से बननी है। तो देखिए, जी हम आपसे फिर बात करेंगे आदम। आज बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, फिर बहुत मिलते हैं। शुक्रिया, जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक शुक्रिया, यू, थैंक यू आदम। थैंक यू।